है तो 2023 बता सकते हैं? 2023 बता सकते कल शरीर छूट जाए तो विनाश नहीं हो जाएगा? अरे जो पूछते हैं वो 100 लोग आपसे इकट्ठा आके पूछते हैं कि एक पूछता है? एक पूछता है उसको जवाब दो कल शरीर छूट जाए, वो भी बताते हैं? वो उनको पता नहीं है क्या? अरे रास्ता चलते चलते सड़क क्रॉस करते करते क्या हो जाता है? कभी भी शरीर छूट सकता है? कोई पता है क्या? फिर भी क्या क्या दुनिया के लिए क्यों पूछते हो? अरे क्यों पूछते हो जब कल ही विनाश हो सकता है, अभी अभी हो सकता है। हम विनाश नहीं बोलते हैं, हम तो कहते हैं भगवान आया हुआ है, भगवान नई दुनिया स्थापन कर रहा है। वो बात तुम्हारी समझ में आती है तो उसके बाद ये भी बात समझ में आ जाएगी कि विनाश कब होगा। नहीं तो हम बता भी देंगे तो भी बुद्धि में तुम्हारे बात बैठेगी? ऐसे थोड़ा ही है कि हम बता देंगे तो तुम दुनियादारी छोड़ दोगे? छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। पांडव ने कल मरे, द्रौपदी भी कल मरे, एक युधिष्ठिर भी बच गया, यहाँ कल मरे की अर्थ क्या? देवांश से गल गए, युधिष्ठिर में बच गए। हाँ, युद्ध में स्थिर रहेंगे, जो माया की युद्ध में स्थिर रहेंगे सो बचेंगे। वो भी देव वंश से गल मरे। कौन? युधिष्ठिर कहाँ गल मरे? हाँ, देव वंश से गल मरे, इसलिए स्वर्ग में गए। बाकी लोग? बाकी देवान से नहीं गले, थोड़ा थोड़ा गले, तो जिस परसेंटेज में गल मरे उतना ऊंचे चढ़ गए, स्वर्ग तक नहीं पहुंचे जीते जी। पांडवों ने गल मरे, द्रौपदी भी गल मरी। हाँ, द्रौपदी तो सबसे पहले गल मरी, कुत्ता उससे भी पहले गल मरा, माना कोई ऐसे होते हैं कि ज्यादा ठंडी सहन कर नहीं सकते तो जल्दी मरेंगे कि देर में मरेंगे? जल्दी मरेंगे। कोई ऐसे हैं कि ज्यादा सर्दी सहन कर सकते हैं तो हिम्मत बांधे रखेंगे, हिम्मत बच्चे तो मदद है बाप। और जब राजीव करेगा आदि में जब बाप फेल हो करके चले गए है, जब बाप आदि में चले गए सिर्फ आदि उनको फॉलो किया है, सिर्फ आदि आठ फॉलो किया और ये इतने सब बैठे, इन सब ने फॉलो नहीं किया? उसमें ये साधारण प्रजा भी उस लिस्ट में आ गया, नहीं आ गया? अरे यथा राजा तथा प्रजा, जो पहली पीढ़ी है वो सूर्यवंशियों की है ना? 25,000 नहीं, जो भी 4.5 लाख होंगे वो जीते जी अपना शरीर छोड़ेंगे, इच्छा मृत्यु होगी या जबरियन उनकी मृत्यु होगी? इच्छा मृत्यु होगी। तो वो जीते जी जो मरते हैं वो इसी दुनिया में स्वर्ग का अनुभव करेंगे।
वो भगवान के बंदे हैं, खुदा के बंदे, उनको कोई तकलीफ महसूस नहीं होगी। हर धर्म से चुनी हुई बीज रूप आत्माएं हैं। बीज का विनाश होता है? है नहीं होता है? तो सत्य हैं या असत्य हैं? सब सच्चे हैं। नंबर वार बल दूसरे धर्म के भी बीज हैं तो भी सच्चे कहें या झूठे कहें तो भी सच्चे हैं, क्योंकि जो सच्चा होता है उसका विनाश नहीं होता है, जो झूठा होता है उसका विनाश हो जाता है। तो 500 700 करोड़ की सृष्टि है, कितने बाकी बचेंगे? 4.5 लाख बचेंगे, उनका विनाश नहीं होगा। तो सात सच्चे हैं, सत्य प्रधान सतो प्रधान सृष्टि की स्थापना होनी है, या उनमें एक आध तमो प्रधान भी होगा, रह जाएगा है? नहीं रह जाएगा। और सारी दुनिया हाय हाय करते मरेगी और वो खुशी में डांस करते हुए शरीर छोड़ेंगे, क्योंकि सच्चे हैं। हर धर्म में सच्चे और झूठे होते हैं या नहीं होते हैं? है? हर धर्म में सच्चे भी होते हैं, झूठे भी होते हैं। नास्तिक धर्म को तो धर्म ही नहीं कहेंगे, तो सच्चा और झूठा की बात ही नहीं है। और काशी हाँ जी दक्षिण में एक ही तो बात है, शिव ही तो काशी की रचना करते हैं। नहीं, वो तो नाम रख दिया है शिव काशी, लेकिन वास्तव में जो नॉर्थ इंडिया में काशी है वो भी तो भक्ति मार्ग की काशी है ना। और उसकी शूटिंग कहाँ होती है? संगम युग में। तो जो सच्ची काशी है उसकी भी रचना करने वाला कौन है? शिव है। भक्ति मार्ग जो है उसमें तो फॉलो करते हैं सिर्फ, और धर्मों ने भी फॉलो किया है सनातन धर्म को, जैसे जैन धर्म वालों ने कितना फॉलो किया है, हिंदुओं में 24 अवतार बताए दिए तो जैनियों ने भी 24 तीर्थंकर बताए दिए भगवान के रूप में, हिंदुओं में 4 युग बताए दिए चढ़ती उतरती कला के, तो उन्होंने भी 6 आर्य दिखाई दिए, 3 आर्य चढ़ती कला के सुखी ही सुख के और 3 आर्य दुखी ही दुख के। ऐसे ही सिखों में यहाँ 10 अवतार दिखाए हैं, उन्होंने 10 गुरु दिखाई दिए। तो ये तो फॉलो किया है, भगवान को सारी दुनिया फॉलो किया है। और यहाँ हम जैसे गीता किसके द्वारा लिखी हुई है, भगवान ने लिखी है या मनुष्यों ने लिखी है? वो जो कुछ शिखामणी देंगे गलत देंगे या सही देंगे है? वो गलत शिखामणी है,
कि बिना लक्ष्य धारण किए कोई काम करो। पढ़ाई पढ़ना है तो एम ऑब्जेक्ट लक्ष्य लेना है या नहीं लेना है? लेना है। वो तो भगवान कहते हैं अपने को। क्या शास्त्र लिखने वाले क्या कहते हैं अपने को? शिवो हम। तो जो अपने को भगवान कहते हैं वो तो कहेंगे हमको कोई आसक्ति नहीं है, हमको कोई इच्छा ना इच्छा नहीं है, हम तो हैं ही इच्छा मात्र में विद्या। कर्म करो, कर्म में कोई आसक्ति नहीं रखो। उनका तो ज्ञान ही उल्टा है। क्या इच्छा मात्र में विद्या? इस सृष्टि पर आकर के कौन सी आत्मा ऐसी स्टेज में कार्य करती है हम ब्राह्मणों के सामने जिसके लिए इच्छा मात्र में विद्या है? कोई आत्मा है या नहीं है? कौन है? नारायण है अभी, उसको लक्ष्य नहीं है तो फिर नारायण कैसे है? शिव बाप, एक शिव बाप ही है जो सदैव के लिए इच्छा मात्र में विद्या है, निष्काम कर्म करने वाला है, इसलिए उसको कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता। बाकी जितने भी मनुष्य मात्र हैं, जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, वो इच्छा मात्र में विद्या होकर के पुरुषार्थ नहीं करती है। जिनको रथ है उनको कोई न कोई स्वार्थ जरूर रहता है। इसलिए बाप ने हमें सच्चा ज्ञान दिया है। क्या कि जो मैं राजयोग की पढ़ाई तुमको पढ़ाता हूँ, इस राजयोग की पढ़ाई में तुम्हारी कोई इच्छा है या नहीं है? होनी चाहिए, कोई लक्ष्य होना चाहिए। अगर लक्ष्य नहीं है तो प्राप्ति नहीं होगी। कोई लक्ष्य नहीं है माने शिवो हम हो गए। एक शिव है जो इस दुनिया की कोई भी प्रकार की इच्छा नहीं करता। बाकी जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो सब इच्छा करती हैं, कामना करती हैं, वो निष्काम कर्म नहीं कर सकती। हाँ, जब संपन्न स्टेज बन जाती है। क्या जब संपन्न स्टेज हो जाती है तो कहेंगे इच्छा मात्रम अविद्या, क्योंकि उस समय तो दुनिया ही खलास हो जाएगी। जब दुनिया का विनाश सामने ही नजर आ रहा है कि अब दुनिया गई कि गई, तो उस दुनिया की इच्छा होगी? उस दुनिया में कुछ भी पाने की इच्छा होगी? नहीं होगी। और भाई, ये भाई, लोग कहते हैं पापी चिरायु है, क्यों है? लोग कहते हैं पापी चिरायु है। चिरायु माने लंबी आयु वाले, क्योंकि ये पाप की दुनिया है या पुण्यात्माओं की दुनिया है? है पापियों की दुनिया है, तो पापियों की दुनिया में पाप का बोलबाला होगा या पुण्यात्माओं का बोलबाला होगा? हुजूम किसका है ज्यादा? संगठन बड़ा पापियों का है या पुण्यात्माओं का है? पापियों का संगठन ज्यादा है, तो पापियों का संगठन ज्यादा होने के कारण संघौ शक्ति कलौ युगे, कलयुग में संगठन की शक्ति काम करती है। सारे ही पापी हैं, सारे ही नकटे हैं, तो नकटे अपने नकटे वालों का पक्ष लेंगे या उनका विरोध करेंगे?
कहेंगे हम न कटे तो सारी दुनिया क्या बन जाए, हैं? नकटा बन जाए, ना कट जाए। इसलिए संगठन की शक्ति की बात है, जो पापी होते हैं वो दीर्घायु की कामना करते हैं कि हमारे पापियों का जो परिवार है वो दीर्घायु वाला बने। हाँ, ये नियम है। और बाबा है, है? हाँ, हाँ पहले चित्र नहीं बनते थे, शंकर के छोटेपन के चित्र, सोता हुआ शंकर पहले नहीं दिखाते थे छोटे बच्चे के रूप में। अभी अभी शंकर का छोटा चित्र दिखाते हैं जिसमें बच्चे के रूप में दिखाया हुआ है, पड़ा पड़ा सो रहा है। वास्तव में ये शंकर नाम कब पड़ता है, जब तीन आत्माओं का संकरण होता है तब नाम पड़ता है। कितने साल हो गए, कितने साल हो गए तीनों आत्माओं का संकरण हुए, है? 76 माना, कितने साल हुए? अरे 35, है? 35 ईयर्स हो गए। और उससे भी पहले वो पुरुषार्थी ब्राह्मणों की दुनिया में था या नहीं था, था प्रत्यक्ष था या अप्रत्यक्ष था? अप्रत्यक्ष था। जब से ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो बाप दादा पहले भी प्रवेश करते थे ब्राह्मण बच्चों में, और 76 से प्रत्यक्षता हुई। इसका मतलब 69 से लेकर के और अभी ये 2010 होने वाला है, कितने साल हो गए, हैं? 40 साल से ऊपर हो गए। उस समय ये चित्र बनना शुरू हुआ था, जैसे कि 76 से पहले शिवरात्रि की छुट्टी नहीं होती थी। जब बाप प्रत्यक्ष हुआ तो शिवरात्रि की छुट्टी भी होने लगी। ऐसे ही ये छोटे बच्चे के रूप में बाप को नहीं दिखाया जाता था। जब ब्राह्मणों की दुनिया में प्रैक्टिकल में हुआ तो दिखाया जाने लगा। और 2009 हो गया, अब छोटी मत बात आई गई। 2009 हो गया, छोटी माँ की बात है? क्या मतलब छोटी माँ की बात है? हाँ? अच्छा प्रश्न है कि छोटी माँ कब आएगी? अब व्यक्त बाप दादा ने क्या डायरेक्शन दिया, तो ये किसके ऊपर है, तो किससे पूछ रहे? जब आवाहन करेंगे तब आएगी, है? पहले आ जाएगी नहीं, दिल से आवाहन करते नहीं है तो आती नहीं है। जिससे आवाहन करना पड़ेगा, है? जिससे करना पड़ेगा, क्या संकल्प? जब चारों तरफ से हताश हो जाते हैं
कोई रास्ता नहीं रहता, तब पुरुषार्थ करते हैं असली। अभी हताश नहीं हुए हैं, कोई न कोई आस लगी हुई है, इधर उधर उधर। तो दिल की आस पैदा नहीं हो रही है आवाहन करने की। बाकी छोटी माँ पहले चंद्रवंशियों में प्रत्यक्ष होगी या सूर्यवंशियों में प्रत्यक्ष होगी? चंद्रवंशियों में पहले प्रत्यक्ष होगी, क्योंकि उनका जन्म जन्मांतर का हिसाब किताब किसके साथ है? ज्ञान चंद्रमा के साथ है। तो जिनको चाहा उनको राह मिल गई होगी, मिल रही होगी। जिनको चाह नहीं है उनको अभी राह पता तो चल गई, लेकिन विश्वास विश्वास नहीं हो रहा है। और माता प्रतीत हो रही है, उसका कैसा जान सकता है? अव्यक्त वाणी में तो बोल दिया, जो सेवा कोई देश ने शुरू नहीं की है वो सेवा अफ्रीका वालों ने शुरू की है। तो प्रूफ नहीं मिल गया? और है जो लौकिक पढ़ाई में तीखे होते हैं, लौकिक पढ़ाई में जो तीखे होते हैं वो लौकिक पढ़ाई में तीक्ष्णता होने के कारण जो लौकिक दुनिया का मान मर्तबा है वो लेने के लिए उनकी बुद्धि चलती है, या अलौकिक दुनिया का मान मर्तबा लेने के लिए बुद्धि चलती है? तो सब विदेशों में जा रहे हैं, खूब पैसा मिलेगा वहां, वहां से लौटेंगे तो यहाँ बड़ा मान मर्तबा मिलेगा। हाँ तीखा, वही तीखा, लौकिक दुनिया का तीखापन और ब्राह्मणों की दुनिया का तीखापन अलग अलग बातें हैं। यहाँ बुद्धि की तीक्ष्णता को विशेष महत्व दिया जाता है। बाबा का कहना है कि मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ, मैं बुद्धिमानों को ज्यादा प्यार करता हूँ या दिल वालों को ज्यादा प्यार करता हूँ? यज्ञ में देखा जाता है कि माताएं कन्याएं ज्यादा निकल रही हैं, उनमें भी माताओं की संख्या, कोई भी जगह चले जाओ सेंटर में गीता पाठशालाओं में ज्यादा होती है। वो दिल वाली है या बुद्धि वाली है? तो बाप किसको पसंद करता है? बुद्धि की तीक्ष्णता वालों को पसंद करता है या दिल वालों को पसंद करता है? दिल वालों को पसंद करता है। इसलिए लौकिक दुनिया की गति और है और ब्राह्मणों की दुनिया की गति और है, है? बता तो दिया, डागली पढ़ाई नाम क्या दे दिया? मैंने अभी भी संशय है, है? अभी बोला ना, चलाने वाले कोई भी हो, कोई भी हो, लौकिक पढ़ाई ब्राह्मणों की दुनिया में भी चल रही है, नहीं चल रही है? जो ब्राह्मणों की दुनिया में लौकिक पढ़ाई में तीक्ष्ण है उनको मान मर्तबा नहीं मिल रहा है? हैं? मिल रहा है? लेकिन नियम क्या है? हमारी सेवा गुप्त रहे, गुप्त सेवा का ज्यादा महत्व है या मान मर्तबा लेकर के गुप्त जो प्रत्यक्ष हो गई सेवा उसका ज्यादा महत्व होगा? जितना जितना यहाँ मान मर्तबा ले लेंगे आदत पड़ती जाएगी। किस बात की? हमारा मान मर्तबा हो, नहीं तो हम बिगड़ जाएंगे।
तो ये लौकिक सिद्धि ली या ईश्वरीय सिद्धि ली? लौकिक सिद्धि ली। और जो ज्ञान सूर्य है वो कभी अंधेरा होता है? नहीं होता। और जो वृक्षपति है, सारी मनुष्य सृष्टि के वृक्ष का पति है, पिता है, वो अंधेरे में आता है कि नहीं? अंधेरे में आता है। तो इसका मतलब वो ज्ञान सूर्य उसमें प्रवेश करता है। जब प्रवेश करता है तो एक ही हो गया या दो है? एक ही हो गया। समझाने के लिए जब हम समझाते हैं तो बताते हैं ना, शिव मेरी बिंदी का ही नाम है, वो नाम कभी बदलता नहीं। क्या प्रजापिता और बिंदु शिव एक ही व्यक्ति, एक ही आत्मा है, एक ही पार्टधारी है? हैं? नहीं, अलग अलग आत्माएं हैं, अलग अलग उनका पार्ट है। सूर्य को ग्रह नहीं है ना? हैं? सूर्य को ग्रह नहीं है। लोग समझते हैं, लोग क्या समझते हैं? है? लोग समझते हैं सूर्य को ग्रहण लगता है। तो यहाँ भी शूटिंग कहाँ होती है? संगम युग में शूटिंग होती है कि भगवान को भी ग्रहण लगता है। हाँ है, है? क्या निश्चय पत्र में आपने नाम दिया है? आपने जो निश्चय पत्र लिखा है, आपने जो स्टाम्प पेपर पर लिखा है, साइन किए हैं, उसमें आपने एफिडेविट माने शपथ पत्र लिखा है। क्या आपने शपथ ली है कि ये हमारे माँ हैं और ये हमारी बाप हैं? हाँ, तो भाई आगे अभी तो माँ नहीं चलेगी, अभी ना नहीं चलेगी। माने माँ अगर मर जाए या माँ जिसने पैदा किया है वो कोई दूसरे के घर में चली जाए या उसको कोई अंडर में कंट्रोल ले ले, अंडर दी कंट्रोल ले ले, तो हमारी माँ नहीं है। ये तो बड़ी खराब बात है, है? कि अगर माँ को रावण ले गया तो हमारी माँ नहीं है, बजाय उसको छुड़ाने के। देखो मेंटेलिटी कैसी है, है? ये तो धोखा देना हुआ या सहयोग देना हुआ? है, ये तो बहुत धोखा देना हो गया। ये बात ठीक नहीं है। जो माँ है जिसके उदर से हमने जन्म लिया वो हमारी माँ है, आज भी माँ है और कल भी माँ ही रहेगी। हम ना नहीं कर सकते कि हमने उसके पेट से, बुद्ध रूपी पेट से जन्म नहीं लिया। वो अगर जन्म न लिया होता और हमको जन्म न दिया होता तो इतना बड़ा परिवार और इसके बीच में हम नहीं पल रहे होते। माँ को कैसे छोड़ाना? कैसे छोड़ाना? किसी की माँ अगर कोई डकैत ले जाए तो क्या करते हैं? है? किसका सामना? पकड़ में आएगा तभी सामना करेंगे। है? वही तो कहा, मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। जब चारों तरफ से हताश हो जाते हैं, रेडियो में दे देते हैं, अखबार वालों को दे देते हैं फोटो, सारी मीडिया में चारों तरफ हल्ला मचा देते हैं और रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलता, तो फिर क्या करते हैं? है? भगवान की याद करेंगे ना पक्के बच्चे, ईश्वरी याद में जब तल्लीन होंगे तो ईश्वर उनको सहयोग देगा। राम के सिवाय कोई दूसरा सहारा तो है ही नहीं।
हाँ बताओ 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 नहीं बाबा नहीं बाबा है? अरे जगदम्बा तो नहीं कह दिया उसे, सूर्यवंशियों की माँ को सूर्यवंशियों की अम्बा कहा या सारे जगत की अम्बा कहा? सूर्यवंशियों की अम्बा कहा। अरे आपने जो लिख करके दिया है वो आपकी कर्मणा है, आप जो मुख से कहते हैं वो आपकी वाचा है, मन और वचन में और कर्म में एक रहना चाहिए कि जब जैसा तब तैसा, अब अवसरवादी हो जाना चाहिए हाँ? बोलो भाई, एक रहना चाहिए हमेशा। हमने जो लिखा है वो सच्चा लिखा है, हम जो बोलते हैं वो सच्चा बोलते हैं, और हम जो करके दिखाएंगे वो सच्चा ही करके दिखाएंगे, उसको कहते हैं सच्चा प्यार। रावण हमको हिलाए डुलाए नहीं सकता। ऊपर माँ बाप लिखा है अरे कहाँ लिखा है रजिस्टर में सूर्यवंशी माँ? नहीं माँ बाप लिखा है। माँ बाप लिखा माँ का मतलब जगदम्बा। हमको ज्ञान सुनाने के लिए वर्षा देने के लिए सारे विश्व का बाप आया हुआ है या सूर्यवंशियों का बाप आया हुआ है? विश्व पिता आया हुआ है, तो हमारी अम्मा भी सारे विश्व की माँ है। हाँ? हाँ? विजय विजय विहार क्या वार्तालाप में? हाँ क्या प्रश्न आया? माँ के बारे में कुछ तरीके से लिखता है, रजिस्टर में ऊपर माँ बाप लिखता है। हाँ रजिस्टर में ऊपर माँ बाप लिखता है, तो कौन सी माँ? उसमें ब्रैकेट में लिखा होता है सूर्यवंशी माँ है? ये तो नहीं लिखा होता है सूर्यवंशी माँ। और क्या क्या कराग्रह क्या बसते लक्ष्मी? हाँ कराग्रह अर्थात बुद्ध रूपी हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी बस रही है। हाँ फिर कराग्रह बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती। तो देखो यज्ञ के आदि में सो अंत में बुद्ध रूपी हाथ बुद्धिमानों की बुद्धि शिव बाबा ने जब प्रवेश किया तो कृष्ण बच्चा किससे जन्म लिया? अरे पहले पत्ते ने जन्म किससे लिया है? छोटी माँ से जन्म लिया। तो बुद्ध रूपी हाथ के अग्रभाग में पहले पहले कौन बसा? लक्ष्मी। और बाद में सरस्वती जगदम्बा। तो जगदम्बा का पार्ट मध्य में चला और जो आदि में सो
जब प्रत्यक्षता होगी तो कौन प्रत्यक्ष होगा? फिर वो ही जिसके लिए आवाहन करने के लिए बोला। किसका आवाहन करो? है गंगा का आवाहन नहीं करो, महाकाली का, जगदम्बा का आवाहन नहीं करो, क्या जमुना का आवाहन नहीं करो। अष्ट देवियों में से औरों का आवाहन नहीं करो। किसके आवाहन से काम होगा? जो कराग्रे, जो अग्रगण्य है उसका आवाहन करो। है बाबा, ये माता पूछ रही है, शनि का प्रभाव होता है तो कारण है कर्म का हिसाब है क्या? बिल्कुल, उसके उसको ज्यादा साथ दिया है 63 जन्मों में, शनिदेव का संग किया है तो वो शनिदेव अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा, वो हिसाब किताब लेगा। और वक्र बुद्धि, वक्र कहते हैं टेढ़े मेढ़े को, क्या वक्र, वक्र माने टेढ़ी मेढ़ी, सीधी नहीं, वक्र बुद्धि। इधर मुड़े, कोई गुरु ने खींच लिया तो इधर मुड़ गई, फिर दूसरा गुरु मिला इधर चलो, इधर मुड़ गई तो इधर दूसरा गुरु मिल गया फिर इधर चली गई, उसको कहते हैं वक्र बुद्धि। उत्तर भारत में वो तो ऐसे यूज करते हैं, इधर बैद्यनाथ बोलते हैं, बैद्यनाथ उधर बैद्यनाथ बोलते हैं, क्यों ये भारत सरकार यहाँ बैद्यनाथ बोलते हैं, बा माने पेट चिरा, बा इधर बोलते हैं बा, और वहाँ बोलते हैं वैद्यनाथ। तो शुद्ध कौन सा है? हाँ तो उसमें ये देखना है कि दोनों शब्दों में वैद्य और वैद्य दोनों में शुद्ध शब्द कौन सा है। वैद्य है वो वेद से बना है, वेद माने जानकार, क्या नीम हकी में खतरे जान नहीं है, वैद्य है जानकार है पक्का शरीर की प्रक्रिया का, वो है वैद्य। और जब उसको क्या नाम अशुद्ध बनाई दिया, अशुद्ध वो बनाते हैं जो हिंदी नहीं जानते हैं, क्या हिंदी न भाषा न जानने के कारण भगवान की भाषा ही नहीं जानते हैं, तो फिर वैद्य को क्या कर देते हैं, वैद्य कर देते हैं। अरे सीधी सी बात है, दो अक्षर हैं सी व, कौन कौन से अक्षर हैं, शिवा, दोनों अक्षर मिलकर के कल्याणकारी अर्थ निकलता है। अगर वा को बा बना दिया जाए तो कल्याणकारी नहीं रहता है। ऐसे ही फॉलो करना है, डायरेक्शंस को फॉलो करना है
तो अलफ को फॉलो करना है या बे को फॉलो करना है? अलफ को फॉलो करना है। अब अलफ को फॉलो नहीं किया, अब बा को पकड़ लिया, बे को पकड़ लिया, तो उल्टे रास्ते में जाएंगे या सीधे रास्ते में जाएंगे? उल्टे रास्ते में चले जाते हैं। लेकिन नॉर्थन इंडिया में बोलता है, नॉर्थन इंडिया में वैद्यनाथ वैद्यनाथ हाँ दक्षिण में दक्षिण इंडिया में वैद्य हाँ नॉर्थ कन्नड़ में हिंदी वाला है हाँ वाह वाह हाँ दक्षिण भारत में वाह वैद्यनाथ यूज कर रहे हैं दक्षिण भारत में वैद्यनाथ दक्षिण भारत में वैद्यनाथ यूज कर रहे हैं वायु दक्षिण में यूज कर रहा है उत्तर में यूज कर रहा है वे और वे उत्तर भारत के लोग है ना वाह कर रहे हैं हिंदी का जानकारी ज्यादा है वो लोग वो यूज कर रहे हैं तो हाँ शुद्ध कौन सा है वो मालूम नहीं है नहीं मालूम इसीलिए तो बताया शुद्ध अशुद्ध का ही तो सवाल है हिंदी माना जाता है ऐसे नहीं है जो वहाँ के संस्कृत जानने वाले विद्वान है ना वो संस्कृत जानने वाले विद्वान शुद्ध शब्द उच्चारण करते हैं और जो संस्कृत को नहीं जानने वाले हैं ग्रामीण लोग हैं वो भाषा को थोड़ा तोड़ मड़ोड़ के बोलते हैं इसलिए अंतर पड़ जाता है और खुदा को अल्लाह को क्या फर्क पड़ता है खुदा को अल्लाह को मुस्लिम क्या मानते हैं अल्लाह माने ऊंचे थे ऊंचा और खुदा माने जो खुद है किसी की परवाह नहीं करता कोई कहे कि हम बिल्कुल सहयोग नहीं करेंगे हम एक पैसा नहीं देंगे तो खुदा होगा सबको ठेंगे पे मारेगा या भीख मांगेगा हैं अरे बोलो ना भीख मांगेगा खुदा हैं खुदा भीख नहीं मांगेगा वो खुद है खुदी को कर बुलंद इतना खुदा बंदे से आप पूछे बता तेरी रजा क्या है इतना निश्चय बुद्धि चाहिए धरत परिय पर धर्म न छोड़िए ब्राह्मण का धर्म नहीं है भीख मांगना ये भगवान का डायरेक्शन है क्या भीख नहीं मांगना है इशारे से भी नहीं मांगना है वाचा से भी नहीं मांगना है कोई भी प्रकार से मांगना चंदा मांगना अरे हम अपने लिए नहीं मांग रहे हैं क्या हम तो विश्व कल्याण के लिए ले रहे हैं थोड़ा थोड़ा दो तो मांगना है या नहीं है मांगना है घुमा फिरा के मांगना अरे हम भीख थोड़े ही मांग रहे हैं हम तो कह रहे हैं कि हम जो कुछ आप देंगे वो हम आपको ब्याज सहित वापस कर देंगे हम तो उधार ले रहे हैं कर्जा ले रहे हैं तो क्या मांगना नहीं है ये भी तो मांगना है तो कोई भी प्रकार से न मांगना वो है भगवान का बच्चा सहयोग की भी भीख नहीं मांगना क्या
न तन का सहयोग की भीख मांगना, न धन के सहयोग की भीख मांगना, न मन के सहयोग की भीख मांगना, न दृष्टि के सहयोग की भीख मांगना। थोड़ी सी कृपा दृष्टि दे दो ना, ये दृष्टि की भीख मांगना हुआ ना। कोई भी प्रकार का मनगता नहीं बनना, ऐसी स्टेज धारण करना, उसको कहते हैं खुदा। वो ऊंचे थे ऊंचे में दो के बारे में बता दे है। वेदों में दो डिसीजन दिए हैं, चरक संगीता धन्वंतरी और सुश्रुता भी, और वैसज रत्नावली, ये वैद्य ग्रंथ हैं। वो रामकृष्ण आत्मा दोनों चरक और सुश्रुता दो बात कहते हैं, वो रामकृष्ण की आत्मा ये है क्या पूछ रहे? देखो विचार सागर मंथन तो करना है, लेकिन कहाँ तक हम करना है, उसकी लिमिट क्या है, वो भी बता दी। क्या विचार सागर मंथन करना है? मुरली में जो भगवान ने बोला उसका सागर मंथन करना है, ज्ञान सागर का सागर मंथन करना है, या मनुष्यों ने जो कुछ लिखा है बोला है उसका मंथन करना है, है? ये चरक परक कहाँ सा सागर, कौन सा गड़ैया है कि तालाब है, नहर है या नदी है कि सागर है? सागर तो नहीं है, है? सागर तो नहीं है, तो कहाँ जाके गड़ैया में डूबते हैं, है कि टीवी देखते रहते सारा दिन? बाबा अब दूसरों की टीवी लेके देखते रहते हैं, खुद पैसे नहीं है तो दूसरों से लेते रहते हैं, हर्जा क्या है? और बाबा ये माता पूछ रही है, अहल्या सीता द्रौपदी है, पंचकन्या, इन पांचों को पंचकन्या ने याद करने से पाप भस्म होता है। अरे पाप भस्म एक को याद करने से होते हैं, या पांच पांच को याद करने से पाप भस्म होते हैं? फिर पांडवों ने का भाषा है ना, ये पांच पांडवों के बारे में गल मरने का भाषा है ना, गल मरने का गल मरे, हाँ उसमें से पहले पहले कुत्ता मरता है, कुत्ता मरता है पहले, तो बाबा ने वाणी में बोला पहले पहले ये कौन मरे, इस्लामी तो मरे, पहले पहले कौन मरेंगे, उनका मरना पहले नुधा हुआ है। हाँ वो देवान से मरे और भगवान के बने, सबसे ज्यादा वफादार जानवर कौन सा होता है, कुत्ता देवान से पहले मर सकता है। हाँ बिल्कुल, अहमदाबादी क्यों, गुजराती, जो अहंकार है वो अहंकार कन्याएं माताएं पहले अर्पण करती हैं कि पुरुष पहले अर्पण करता है,
कन्याएं माताएं अहंकार पहले अर्पण करती हैं। जो अपने देह का दुनिया के हिसाब से मूल्यवान अंग है उसको कन्याएं माताएं पहले अर्पण करती हैं। बदनाम कर रहे हो है? अरे सही सही बात बताओ ना। कन्याएं माताएं देहभान पहले अर्पण करती हैं या पुरुष देहभान अर्पण करते हैं? पुरुष करते हैं। तो अहमदाबाद के लिए जो बोला, अहमदाबाद है सर्व सेंटर्स का बीज रूप। क्या सेंटर्स हैं? जैसे मंदिर, सब मंदिरों का बीज कौन है? सोमनाथ। जरूर वहां से सोमनाथ सोमनाथिनी निकले हैं। गुजरात नहीं बोला, कहां से निकले? सोमनाथ सोमनाथिनी अहमदाबाद से निकले। तो अहमदाबाद में जो सोमनाथ सोमनाथिनी है उन दोनों के बीच में देहभान को अर्पण करने वाला कौन है पहले? सोमनाथ है। पक्का कर लिया है? जो कन्याएं माताएं होती है उनको देह का होना ज्यादा रहता है या पुरुषों को देह का होना ज्यादा रहता है? कन्या माताओं को ज्यादा रहता है। अरे धनवान को धन का होना ज्यादा रहता है, बुद्धिमान को बुद्धि का होना ज्यादा रहता है, तनवान पहलवान होता है उसको काय का होना ज्यादा रहता है, तन का होना ज्यादा रहता है। और बाबा ये कन्या बचपन से है, ये कन्या बचपन से माँ मर गया, बाप दूसरा लड़की को शादी कर लिया, वो लड़की बी के सेंटर के गया, अरे इधर से उधर बी के सेंटर से ज्यादा वो कन्या को दुख दिया, वो आकर के टीवी में बोल दिया है, टीवी में बोल दिया है, बोलते हैं शिव बाबा सच है, वो अंदर से ना आत्मा अच्छा नहीं ऐसे बोला, वो कन्या बहुत दुखी है। माने बी के वाले अच्छे नहीं है, शिव बाबा अच्छा है, सच्चे हैं, तो टीवी वालों ने क्या कहा? वहाँ शांति नहीं मिला ऐसे पूछा, वहाँ शांति नहीं मिली इसलिए टीवी वालों के पास गए। वो बोला शांति शांति मिला अंदर से, शांति मिला टीवी वालों के पास नहीं, अभी ठीक है शांति है शिव बाबा सच है, अंदर से चेट टीचर अंदर से ना वो आत्मा अच्छी नहीं है, बहुत दुख दिया मेरे को, मैं क्या करना है सब पूछा, क्या करना? जो सच्चा है उसको पकड़ो ना। नहीं बाबा, वो अपने परिवार से मांग रहे क्या? ज्ञान ठीक है, शिव बाबा सच्चा है, ज्ञान सच्चा है, वो सब ठीक है, और जो वहाँ परिवार मना जो कंट्रोलर है बी के ब्राह्मणों का जो परिवार है, परिवार में बहुत सताते हैं, वो सच्चा नहीं है, किस परिवार से पूछ रहा है, हमको शादी करा दो। अच्छा शादी करा दो ये कहती है? हाँ माँ बाप करेंगे, माँ बाप करेंगे, माँ बाप के पास आके शादी कराने से करेंगे, नहीं रहने से हम बेंगलुरु में ही ब्रह्म कुमारी बनकर रहेंगे, ऐसा करो माने हम झूठों के साथ ही रहेंगे। ये बात क्यों उठा रहे हैं आप? वो दुखी है ना इधर बच्चे, इसलिए आपका प्रश्न क्या है? वो कन्या बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, वो दुखी इसलिए है कि वो सच्चाई को नहीं पहचान पा रही है, बाप की पहचान नहीं है, कहती है भगवान की वाणी सच्ची है, तो भगवान की जब वाणी सच्ची है
तो भगवान कहाँ है, है या नहीं है, वो तो उसको पता ही नहीं है। कन्या को ला करके पहले आश्रम में पहले रख दें, आश्रम में रख के उसको कोर्स कराएंगे, आश्रम में रख कर के कोर्स कराएंगे। क्यों क्यों आपको पक्का है कि वो आश्रम में रहने से वो एडवांस की बन जाएगी और यहाँ के राम की सेना के व्यवहार को देख करके वो और ही उल्टी हो गई? और इधर की बातें उधर कर दी तब क्या होगा? और हो सकता है। हाँ लेकिन वो नवा वाला पुत्रा थे ना, है नवा वाला पुत्रा है, वो पहले लगता है उसको भी आर्य समझ रहे हैं ना, है नवा वाला है पुत्रराज, पुखराज हाँ उसको भी आर्य समझ कहते हैं। जो नौवा वाला है जिसको हम नौवा नंबर देते हैं वो वैल्यूलेस है, नास्तिक है, वो नास्तिक वर्ग में आ गया। हाँ जरूर होगा, माला में है तो नौ के अंदर है, लेकिन अष्ट की लिस्ट में है तो नहीं है। और शिव बाबा हिंदी बोलता है और दूसरी भाषा में क्यों नहीं बोलता है? किसी के पास है जवाब है? अरे कोई के पास जवाब है, है? रावण का राज्य इसलिए हिंदी बोलता है? माने हिंदी जहाँ जहाँ बोली जाती है वहाँ राम राज्य, जहाँ हिंदी ज्यादा बोली जा रही है वहाँ राम राज्य। हाँ एक भाषा एक बार एक पढ़ने एक राज्य, वो तो दुनिया में कहीं भी नहीं है। ये भारत में ज्यादातर हिंदी है ना, मातृभाषा हिंदी है। नहीं, जिस तन में आऊंगा वही भाषा बोलूंगा ना, जिस मुकर्रर रथ में आऊंगा वही भाषा बोलूंगा। मैं कोई सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा थोड़े ही हूं, मेरे को सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, स्थूल शरीर भी नहीं है। जो सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं होती है और पूर्व जन्म में उनकी कोई दूसरी भाषा रही होगी तो प्रवेश करके दूसरी भाषा में भी बोलेंगी। मेरी प्रवेशता में और दूसरी आत्माओं की प्रवेशता में, मनुष्य आत्माओं की प्रवेशता में क्या अंतर है? यही अंतर है कि मैं जब प्रवेश करता हूं तो कोई को पता ही नहीं चलता, अगर दूसरी भाषा में बोलूं तो पता चल जाएगा। इसलिए जिस तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता हूं मैं उसी भाषा में बोलता हूं ताकि कोई को पता न चले। मुकर्रर रथ की बात की, पहले किस में प्रवेश किया?